Good morning, student. How are you all? You all are fine? Are you studying? Yes or no? Studying. Okay. आप study करोगे तो ही next class में आप जाओगे. Otherwise, आप LKG class में ही रह जाओगे. Do you want to go in UKG class ना? Of course you want it. Then read, learn and write so many times, beta. Okay? Welcome again in my class. Class number which one? Already wrote here. Which one class number? Can you say directly 18 or 1818? Okay, now you can say 18. You know this number. Okay? I hope so. You learn already counting from 0 up to 35. लिखा है ना कि नहीं लिख रहे हो? लेजी लेजी बन गए हो, है ना? जो बारिश का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, उसमें से क्या होता है? थोड़े से हम लेजी हो जाते हैं. बारिश के सीजन में क्या होता है? वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और ठंडा ठंडा भी हो जाता है, तो नींद ज्यादा आती है ना. हाँ, नींद ज्यादा आती है, मुझे भी आती है. पर पता है मैं क्या करती हूँ नींद को छू मन कर करने के लिए? क्या करते हैं हम? पूरा वन फुल ग्लास दूध पीते हैं. इससे क्या होता है? नींद ऐसे उड़ जाती है और फिर एनर्जी आ जाती है. और अच्छा अच्छा फूड भी लेती हूँ डेली. हमें क्या खाना चाहिए? हमें वन फुल ग्लास दूध मॉर्निंग और एक फुल ग्लास दूध शाम को भी पीना चाहिए. अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो उसमें पाउडर मिला के पीना. कोई सा भी पाउडर आप मिला सकते हो जो आपको पसंद हो. और ब्रेकफास्ट भी अच्छा लेना है. उसके बाद क्या करना है? एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है. एक्सरसाइज करने से हमारी नींद छूमंतर हो जाती है. हमें जो आलस आते हैं ना, आलस नहीं आएंगे. और फिर हेल्दी हेल्दी अच्छा अच्छा फूड भी लेना है. क्या क्या करना है लंच में? चावल खाना है, राइस खाना है, दाल खाना है, वेजिटेबल्स खाना है. मम्मी जो भी सब्जी बनाती है सबको खाना है. चपाती खाना है ना? और नींबू का अचार भी खाना है. विटामिन सी बहुत जरूरी है ना बॉडी में, तो नींबू का अचार सबको खाना है. खट्टा मट्टा कुछ भी खाना है बट खाना है. ओके, तो हमें ये डिसीज नहीं होगी. हम ये कोरोना डिसीज से बहुत दूर रहेंगे. ठीक है, तो आपको सीजनल फ्रूट भी खाना है. जो फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल है, या केला है या अनार है, जो भी फ्रूट आपके घर में, आप उसको जरूर खाएंगे. ठीक है, और लेजी नहीं बनना है. जब भी आपको नींद आने लगे ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना, तो नींद नहीं आएगी. क्योंकि जो वेदर है ना, रेनी सीजन होता है, उसमें नींद ज्यादा आती है, ठंडा ठंडा हो जाता है ना, इसलिए. ओके, देन वी विल रिवाइज अवर काउंटिंग फ्रॉम 0 अप टू 35. ये 3 और ये 5 क्या बन गया? 35. वेरी गुड. फर्स्ट वी विल डिवीजन अवर नंबर्स, देन आफ्टर वी विल गो ऑन विच सेकंड नंबर. हियर वी विल राइट हेडिंग काउंटिंग, बट विच पार्ट अवर इज देयर? डिवीजन पार्ट. डिवीजन बेटा बहुत जरूरी है. अगर हम डिवीजन नहीं करेंगे, अगर हम 31 से 35 तक का डिवीजन करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमें सिर्फ 35 से तक याद होगा, बाकी जो 0, 1, 2, 3, 11, 17 की जो लाइन आती है वो सब हम भूलते जाएंगे. तो रिवीजन करना बहुत जरूरी, हर चीज का, हर सब्जेक्ट में रिवीजन बहुत जरूरी है. ओके, देन वी से आई विल राइट द नंबर्स हियर. ओके, आपको बोलते जाना है और मैं यहाँ नंबर्स लिखती जाऊंगी, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन कौन से नंबर्स याद हो गए हैं कि नहीं. अभी पता है आप ये बस सोचते हैं कि आप करने जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी इसको दिखाई नहीं देगा. हो सकता है हम आपको कुछ काम करने के लिए दें, यहाँ से कुछ असाइनमेंट भी मिल जाए आपको, और फिर आपको वो चीज हमें भेजना पड़े बना के, है ना? जैसे मैंने भी काउंटिंग आपको याद करवाई, तो आपको काउंटिंग बोलना भी आना चाहिए. कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, ऐसे ऐसे नहीं 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं, नंबर वाइज असाइनमेंट। तो मैं आपको ऐसा असाइनमेंट भी दे सकती हूँ, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, इसके लिए तैयार रहना है कि मिस हमें कौन सा असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है हमने अब तक जो पढ़ा दिया है आपको, आपको वही चीज घर से करके मुझे देना है, ठीक है। हो सकता है आपसे रिटर्न वर्क में मंगवा लूं, ठीक है, तो आपको लिख कर देना पड़ेगा, या फिर मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप वीडियो बना के भेज दो मुझे, तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो उसके लिए रेडी रहना है, उसके लिए हेल्दी वेल्दी रहना है, अच्छा रहना है, ऑलवेज क्या करना है, स्माइल करते रहना है और हमेशा खुश मन से पढ़ना, अच्छे मन से पढ़ना, दुखी होकर रो के नहीं पढ़ना है, ओके। देन स्टार्ट, आर यू रेडी, ओके। देन से व्हिच नंबर विल कम हियर फर्स्ट वन, वेरी गुड, जीरो, देन ओके, आप बोलते जाओ मैं लिखती जाऊंगी, ओके, वन, देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड वन, जीरो, टेन, ओके। नेक्स्ट नंबर विल फ्रॉम वेयर, हियर और हियर, नो, फ्रॉम दैट साइड, ओके, वन वन, इलेवन, वन टू, ट्वेल्व, वन थ्री, वन थ्री, ओके, थर्टीन, वन फोर, फोर्टीन, वन फाइव, वन फाइव, फिफ्टीन, वन सिक्स, सिक्सटीन, वन सेवन, सेवेंटीन, वन एट, एटीन, वन नाइन, नाइनटीन एंड टू जीरो, ट्वेंटी। देन आफ्टर ट्वेंटी विच नंबर विल कम, टू, जीरो की जगह क्या लिखना है, वन, टू, फ्रॉम टू, वन, ट्वेंटी वन, टू, टू, ट्वेंटी टू, टू, थ्री, ट्वेंटी थ्री, टू, फोर, ट्वेंटी फोर, टू, फाइव, ट्वेंटी फाइव, टू, सिक्स, ट्वेंटी सिक्स, टू, सेवन, ट्वेंटी सेवन, टू, एट, ट्वेंटी एट, टू, नाइन, ट्वेंटी नाइन एंड थ्री, जीरो, थ्री जीरो, थर्टी, ओके। नेक्स्ट वन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स, थ्री वन, बेटा देखिए यहाँ पे वन जीरो पे अगर हमारा नंबर कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा, ये वन तो हमें ऐसे कैसे लिखना है, बट जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है, फिर से वन आता है, तो हमने यहाँ वन लिखा, फिर ये वन नंबर ऐसे लिखना है बिकॉज इट इज वन सीरीज, ये वन की सीरीज है, तो वन 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 टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया हियर टू जीरो ट्वेंटी, अब जीरो के बाद क्या आएगा बेटा, वन आता है ना, जीरो के बाद क्या आता है, वन आता है ना, देन वी विल राइट टू वन, याद है हमारा टू वन, ये टू सीरीज है, सेकेंड नंबर की सीरीज है, टूस की सीरीज है, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, टू सेवन, टू एट, टू नाइन, टू की सीरीज कंप्लीट हो रही है, देन थ्री की सीरीज स्टार्ट हो गई, थ्री जीरो। अब ये जो थ्री लिखा है, सेम हमने थ्री लिख दिया, जीरो के बाद क्या आएगा बेटा, विच नंबर विल कम देयर, डेफिनेटली जीरो के बाद वन आता है, देन थ्री वन, थर्टी वन, थ्री टू, थ्री टू, थर्टी टू, थ्री थ्री, थ्री थ्री, थर्टी थ्री, थ्री फोर, थ्री फोर, थर्टी फोर, थ्री फाइव, थ्री फाइव, थर्टी फाइव, थ्री फाइव के बाद क्या आएगा, आपको
पता ये थ्री की सीरीज है, तो हमें यहाँ थ्री थ्री लिखना है। यू नो वेरी वेल थ्री हमारा कंप्लीट हो गया। अब फाइव के बाद क्या आएगा? सिक्स, थ्री सिक्स, थर्टी सिक्स, थ्री सेवन, थर्टी सेवन, थ्री एट, थर्टी एट, थ्री नाइन, थर्टी नाइन। अब आपको देखना है थ्री के बाद कौन सा नंबर आता है, थ्री नाइन। इट इज द लास्ट नंबर ऑफ थ्री सीरीज, थ्री की सीरीज का ये लास्ट नंबर है। नाइन के बाद क्या आएगा? जीरो। देखो नाइन के बाद सब तो जीरो आया है ना। अब यहाँ क्या आएगा? जैसे टू के बाद थ्री आया, वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद क्या आएगा? विच नंबर के लिए कम देगा, विच वन? वन टू थ्री फोर, दैट मीन्स फोर जीरो फोर्टी। अगेन वी विल डिवाइड दिस लाइन, थ्री वन थर्टी वन, थ्री टू थर्टी टू, थ्री थ्री थर्टी थ्री, थ्री फोर थर्टी फोर, थ्री फाइव थर्टी फाइव, थ्री सिक्स थर्टी सिक्स, थ्री सेवन थर्टी सेवन, थ्री एट थर्टी एट, थ्री नाइन थर्टी नाइन, फोर जीरो फोर्टी। क्लियर? ओके, देन हमें कौन सा सीरीज देना है? थ्री की सीरीज देना है। वी विल राइट फ्रॉम 36 अप टू 40, ओके। बट यू वॉन्ट टू राइट थ्री सीरीज फुल, देन टूडेज अवर होमवर्क इज फ्रॉम 31 अप टू 40 वी विल राइट इन अवर कॉपी, ओके। द नंबर हियर, देन व्हिच वन अवर होमवर्क? अवर होमवर्क इज थ्री सीरीज, व्हिच वन? काउंटिंग फ्रॉम एफ आर ओ एम, फ्रॉम कहां से? 31 से 40 तक, 31 टू 40, ओके। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। आपको ये ऐसे लिखना है अपने नोटबुक में, इट इज योर नोटबुक स्क्वायर बॉक्स पेज, ओके। अब आपको इसमें नंबर सीखते जाना है, फ्रॉम वेयर बेटा, कहाँ पे लिखा है ऊपर, जस्ट टू सी द नंबर, विच नंबर इज गिवन हियर, फ्रॉम 31 अप टू 40। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फर्स्ट नंबर इज 31। सबसे पहला नंबर कौन सा है? 31, ओके, 31, 32, 33, 33। देखो ये थ्री की सीरीज है, कहां तक? ये थ्री की सीरीज जा रही है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी सीरीज देख रहे हैं, ओके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन टाइम हमने थ्री लिख लिया। क्यों थ्री लिखा? बिकॉज ये थ्री की सीरीज है, मतलब थ्री की नाइन है। अब आपको पता है नंबर्स क्या है? थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थर्टी फाइव, थ्री फोर थर्टी फोर, थ्री फाइव थर्टी फाइव, थ्री सिक्स थर्टी सिक्स, थ्री सेवन थर्टी सेवन, थ्री एट थर्टी एट, थ्री नाइन थर्टी नाइन एंड फोर जीरो फोर्टी। ठीक है, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि हमें ये थ्री की सीरीज कंप्लीट करना है और ये वन से नाइन तक सेम नंबर्स आने हैं। थ्री के बाद आएगा फोर और नाइन के बाद आएगा जीरो, ओके। थ्री वन थर्टी वन, थ्री टू थर्टी टू, थ्री थ्री थर्टी थ्री, थ्री फोर थर्टी फोर, थ्री फाइव थर्टी फाइव, थ्री सिक्स थर्टी सिक्स, थ्री सेवन थर्टी
ओके इस टाइप से आपको वन फुल पेज कंप्लीट करना है. दिस योर होमवर्क, राइट वन फुल पेज. ओके राइट वन फुल पेज. कितना बार लिखना है आपको? ओनली वन पेज लिखना है, फ्रॉम 31 अप टू 40. और कैसे लिखना है? हाउ टू राइट विथ पेंसिल विदाउट इरेजर. आपको इरेजर का ज्यादा यूज नहीं करना है, कोशिश करना है गलती ना हो, मिस्टेक्स ना हो. ठीक है, डू योर वर्क.